हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है सक्सेस पॉइंट के एजुकेशनल चैनल में। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि करंट अफेयर्स डेली बेसिस पर आपको पढ़ाया जा रहा है, तो फ्रेंड्स आज की जो क्लास है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम पार्ट वन के मई 2020 के करंट अफेयर्स का रिविज़न करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि जो फर्स्ट वीक में आपने जितने भी करंट अफेयर्स पढ़े थे मई 2020 में, लगभग 100 करंट अफेयर्स हैं जो कि आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगी और आपके सभी फ्रेंड्स के लिए हेल्पफुल रहेगी जो भी किसी भी एग्ज़ाम में बैठने जाने वाले हैं अगले 6 महीने के लिए, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए जल्दी से, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी ज़रूर करके बताइएगा, और अगर कुछ अच्छा ना लगे तो सजेशन देकर जाइएगा कि क्या अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, और आज इसके अलावा आपको पता ही है विद ट्रिक्स ऑलरेडी वीडियोस डेली बेसिस पर आपको प्रोवाइड की जा रही है, तो अगर वो नहीं देखिए वो भी देख लीजिए। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हेन इज आयुष्मान भारत दिवस सेलिब्रेटेड। आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है ये आपको विद ट्रिक ऑलरेडी सब कुछ पढ़ाया गया है, 30 अप्रैल। ठीक है, तो ये आपकी रिविजन क्लास है तो हमें याद होना चाहिए कि आयुष्मान भारत दिवस कब पढ़ाया गया था, 30 अप्रैल, यानी कि अप्रैल का लास्ट दिन जो था वो आयुष्मान भारत दिवस के नाम से मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च जीवन अमृत योजना। तो जीवन अमृत, अमृत क्या है, मध्य में है ना, तो मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन से राज्य सरकार ने जीवन अमृत योजना को लॉन्च किया था, मध्य प्रदेश। फ्रेंड्स, मैं ऑलरेडी आपको बता रही हूँ कि ये विद ट्रिक्स हम ऑलरेडी सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो विद ट्रिक्स वीडियो को जाकर चेक कर लीजिए। अप्रैल की भी प्लेलिस्ट में आपको रिविजन क्लास एज वेल एज डेली बेसिस पर क्लास मिलेंगी, और मई की भी डेली बेसिस पर आपको कंटिन्यूसली क्लास प्रोवाइड की जा रही है। तो देखो, आज का थर्ड क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च अ न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड एक्सेस टू कोविड-19 टूल एक्सेलरेटर। तो देखो, विद ट्रिक आपको क्या बताया गया था कि एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है, एक्सेस टू कोविड-19 टूल एक्सेलरेटर। तो कोविड-19 को जब एक्सेलरेट करोगे तो कहाँ पहुँच जाओगे, 20 पर, तो G20 इसका करेक्ट आंसर हो गया। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह की अच्छी अच्छी ट्रिक्स के साथ आपको सब कुछ पढ़ाया गया है, तो आपको सब कुछ रिवाइज होना चाहिए। और मैं आपको लगभग 3 सेकेंड्स आपको खुद के लिए दे रही हूँ, ठीक है, जिससे कि आप खुद से भी चेक करो कि आपको आंसर्स याद हैं या ध्यान नहीं है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू स्टार्ट नेबरहुड क्लासेस। तो विद ट्रिक आपको पढ़ाया गया था कि नेबरहुड क्लास किसने स्टार्ट करी है, तेरे पड़ोस में जितने भी बच्चे हैं सबको क्लासेस प्रोवाइड करूंगा, है ना, तो तेरे पड़ोस में, तेरे पड़ोस में मतलब त्रिपुरा, तेरे, है ना, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया किसे बनाया गया है, T.S. त्रिमूर्ति। तो त्रिमूर्ति है ना, मूर्ति भगवान, क्योंकि यूनाइटेड नेशन UN में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा कोविड-19 फैल रहा है, तो वहाँ पर भी त्रिमूर्ति भगवान की जरूरत पड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू ऑर्गेनाइज ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट टू रेज फंड फॉर कोविड-19 रिलीफ फंड। कोविड-19 रिलीफ फंड के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए कौन सी राज्य सरकार ने ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट की शुरुआत करी है, तो ये किसने करी है, ये भाई देखो, आपको ट्रिक बताई थी, इसका आंसर क्या था, कर्नाटक। ट्रिक बताई थी कि कोई चेस वेस का टूर्नामेंट नहीं करवाने वाले, वो लोग क्या करेंगे, नाटक करेंगे और पैसा कमाएंगे, है ना, तो नाटक करेंगे कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू कतार। तो आपको बताया था कतार के जो है नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया किसे बनाया गया था, तो कतार को रिलेट करा था कतार से, और कतार में क्या होता है, ब्लेड होता है ना, जो कि किसका बना होता है, मेटल का और मित्तल, तो दीपक मित्तल इसका करेक्ट आंसर हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बीन स्वॉर्न इन एज वन ऑफ द टू विजिलेंस कमिश्नर इन द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऑफ इंडिया। देखो, अगर आपको याद होगा तो अप्रैल की जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, पार्ट थर्ड वाली, उसमें मैंने क्वेश्चन बनाया था कि CVC किसे बनाया गया है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या था, संजय कोठारी को CVC बनाया गया था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि 2 CVC बनाए गए, तो दूसरा CVC किसे बनाया गया है, सुरेश एन पटेल को। तो एक तो संजय कोठारी और उनके साथ में किसे बनाया गया है, सुरेश एन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड ऑन 29 अप्रैल। मतलब पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड का चेयरपर्सन किसे बनाया गया, तो किसे बनाया गया है, राजीव कुमार को क्या बनाया गया है, सार्वजनिक उद्यम चेयरमैन चयन बोर्ड का चेयरपर्सन अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, किसे किया गया है,
राजीव कुमार। तो फ्रेंड्स, आप एक बार ज़रूर अपने आप को जज करिए कि आपको ये जो है क्वेश्चंस याद रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा और साथ साथ अपने फ्रेंड्स को जल्दी से शेयर भी कर दो, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफर अ फ्री ऑनलाइन सेल्फ सर्टिफिकेशन कोर्स कोरोना वॉरियर्स फॉर द फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स टू डील विद द कोविड-19 पेशेंट्स। कोविड-19 पेशेंट्स के लिए जो फ्रंटलाइन पर हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं उनके लिए फ्री ऑनलाइन सेल्फ सर्टिफिकेशन कोर्स। तो इसे हमने ट्रिक से कैसे बताया था कि ऑनलाइन सेल्फ सर्टिफिकेशन कोर्स हमें क्या कर, हम क्या कर रहे हैं, सेल्फ सर्टिफिकेशन कोर्स कर रहे हैं किस लिए, ताकि हम अपने एग्जाम को पास कर सकें। और वो एग्जाम कहाँ पर होते हैं, हमारे TCS आयोन में। तो इसका आंसर भी क्या हो गया था, TCS आयोन में। हम भी क्या एक वॉरियर्स हैं, है ना, हम भी एक वॉरियर्स हैं जो कि अपने एग्जाम्स को क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो हमारा क्या होगा, TCS में एग्ज़ाम कराती है ना, TCS कराती है आपके सारे SSC के एग्ज़ाम्स और बैंकिंग के एग्ज़ाम्स सारे, कौन कराते हैं, TCS आयोन में आपका सेंटर पड़ता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ODI वीमेन वर्ल्ड कप, ODI वीमेन वर्ल्ड कप नेम द कंट्री विच इज़ गोइंग टू होस्ट द टूर्नामेंट। यानी कि जो आपका अगला 2021 में होने वाला वीमेंस का वर्ल्ड कप है वो कहाँ पर होगा। तो आपको पता था अभी जो वीमेंस का आपका क्या हुआ था, T20 हुआ था ना, T20 वर्ल्ड कप हुआ था, जिसमें कौन जीत गई थी, ऑस्ट्रेलिया जीती थी, है ना, ऑस्ट्रेलिया जीती थी और हम जो आए थे वो सेकंड नंबर पर आए थे, मतलब कि रनर अप आए थे, है ना। तो अब क्या है, आपके पास एक नया मौका है, तो ये कहाँ पर होगा, न्यूजीलैंड। तो वीमेंस के पास एक वर्ल्ड कप 21 को जीतने का एक नया मौका है न्यूजीलैंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉर्मर कर्नाटक बैट्समैन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ US नेशनल टीम के कोच। तो USA में आपको पता है क्रिकेट का ज़्यादा वो नहीं है, तो USA की टीम को मजबूत बनाने की नेशनल टीम को कोच बनाया गया है कर्नाटक के बैट्समैन, जो कौन थे, जे अरुण कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेशनल गाइड डॉग डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। देखो डॉग को क्या कर रहे हो, गाइड कर रहे हो, और जब डॉग को गाइड करोगे, तो क्या होगा, डॉग को गाइड करोगे वो क्या होगा, बुद्धिमान हो जाएगा, बुद्धि आ जाएगी ना उसमें, बुद्ध, और बुद्ध से क्या हो जाएगा, वेनसडे, लास्ट वेनसडे ऑफ अप्रैल। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको नेक्स्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। जब भी आपके फ्रेंड्स, पता है ये सीरीज़ आपके लिए SSC CHSL की जो भी तैयारी कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से सिर्फ 3 दिन एग्जाम्स हुए थे, है ना, 3 डेज के एग्जाम्स हुए थे, और उसके बाद सभी बच्चों के एग्जाम्स जो है कैंसिल हो गए थे, कैंसिल भी नहीं, पोस्टपोन कहेंगे, है ना, पोस्टपोन हो गए थे एग्जाम। तो पोस्टपोन हो गए, आपके पास बहुत अच्छा मौका है, लगभग 50 दिन आप निकाल चुके हो, और आने वाले कम से कम 2 महीने आपके पास और हैं अभी भी, ठीक है, यकीन मानिए 2 महीने कम से कम अभी भी हो रहे हैं। तो आप इनकी तैयारी कर सकते हो और ये सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखो बजट सर्वे के अंदर, इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप के अंदर हमारी जो ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी आई है वो इंडिया की कितनी रैंक आई है, 53। तो इंडिया की कितनी रैंक आई है बजट वाले में, 53। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इधर बढ़ते हैं, विच स्टेट ऑफ द इंडिया हैज टॉप्ड अमंग ऑल स्टेट्स इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू स्किल्ड लेबर्स। क्या कर रहा है, देखो स्किल्ड जो हमारे अनस्किल्ड लेबर्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है, किसके अंदर, मनरेगा स्कीम के अंदर। तो किसने इसमें टॉप किया, कौन से स्टेट ने इसमें टॉप किया है, तो जो टॉप किया है वो है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैन इज़ इंटरनेशनल वर्कर्स डे। तो आपको पता है लेबर्स डे, वर्कर्स डे कब मनाया जाता है, मई, क्योंकि वर्कर क्या एक है वर्कर, और क्या है वो खुद में मैं है, तो 1 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल वर्कर्स डे या लेबर्स डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च द वी विल विन कैंपेन टू ऑनर हेल्थ वर्कर्स। हेल्थ वर्कर को ऑनर्स करने के लिए वी विल विन, तो ये वाला गाना कौन चलाता है, फीफो फुटबॉल, है ना, फुटबॉल चलाता है कि हम जीतेंगे, वी विल विन कैंपेन किसने चलाया है, फुटबॉल ने, फीफा ने। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एडवाइजर टू गूगल पे इंडिया। देखो गूगल पे क्या है, थोड़ी एक नई सी ऐप है, हर किसी को गूगल पे चलाना नहीं आता, तो उसके एडवाइजर किसने अपॉइंट किया है, शिखा शर्मा को क्या दिया है, ये सिखाएंगी आपको, है ना, शिखा कैसे मिल रहा है, सिखाना, तो ये क्या करेंगी आपको, सिखाएंगी, इसलिए इन्हें गूगल पे का आपका एडवाइजर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द नेकी एशियन अवार्ड। देखो नेकी कर, है ना ऐसे आपकी कहानी है ना, आपकी जो दोहा ऐसा है, नेकी कर दरिया में डाल, तो नेकी कैसे करोगे, दीप जलाओगे, सबके जीवन में दीप जलाओ और नेकी करने वाले सबके जीवन में रोशनी लेकर आते हैं, दीप लाते हैं, तो प्रोफेसर टी प्रदीप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च द पोर्टल टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन वर्क। अपने काम में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए जो कौन सा चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने क्या करा है, एक पोर्टल लॉन्च करा है, तो आपके वर्क में कुछ भी कमी ना रह जाए, तो सिक्किम कमी ना रह जाए, है ना, तो ट्रांसपेरेंसी के लिए कौन है, सिक्किम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स ब्लैक राइस हैज बीन गिवन एज जीआई टैग। तो फ्रेंड्स, मई में आपको बहुत सारे जीआई टैग प्रदान किए गए थे, तो उनको एक बार ध्यान दे लीजिएगा। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं ब्लैक राइस, ब्लैक राइस को कौन से स्टेट का ब्लैक राइस को जीआई टैग दिया गया है? देखो, एक तो चावल, और चावल भी कैसे काला, तो काला चावल है ना, सफ़ेद चावल तो सबने देखा, काला चावल एक नया प्रजाति का चावल है ये। और देखो, काले चावल को भी क्या दे दिया, जीआई टैग दे दिया, यानी कि इनके पास बहुत पैसा है, मनी है, तभी इन्होंने काले को भी जीआई टैग दिलवा लिया है ना। तो मणिपुर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच स्टेट हैज सेलिब्रेटेड स्टेटहुड डे ऑन 1 मई। 1 मई को किसका दिवस, राज्यस्तर दिवस मनाया जाता है? गुजरात, गुजरात। और एक स्टेट का और बनाया जाता है, वो आप कमेंट करके बताएंगे कि गुजरात और कौन सी एक ऐसी स्टेट है, कौन सी एक ऐसी स्टेट है जिसका राज्य स्टेटहुड डे 1 मई को मनाया जाता है, ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट वॉच्ड प्रोग्राम रिसेंटली। तो आपको पता है कि पूरा आपने मार्च के लास्ट से, लगभग 25 मार्च से शायद आपका शुरू हो गया था रामायण, जिसे कि सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला प्रोग्राम घोषित किया गया था वर्ल्ड का, ठीक है, वर्ल्ड का बेटा, इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का, ठीक है। हु हैज़ बीन कन्फर्ड एज ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन बाय द जापान गवर्नमेंट। जापान गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन किसे, जापान सरकार ने किसे ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है? तो किसे किया है, थंगजाम धाबाली, ठीक है। तो आपको ट्रिक भी बताई थी कि राइज कर रहा है सन, क्या कर रहा है, राइज कर रहा है, और ये क्या हो गया, जाम हो गया। तो ये दोनों अपोजिट एंटोनियम लेकर हम कर सकते थे, तो थंगजाम इसका आंसर हो गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सेंटर हैज़ बॉट विच वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी अंडर द जल शक्ति मंत्रालय। तो देखो, जल शक्ति मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार पहली बार बनाई गई है जल शक्ति मिनिस्ट्री, है ना। तो इसके जो मिनिस्टर किसके पास है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है हर एग्जाम में, जो जल शक्ति मिनिस्ट्री है इसका मिनिस्ट्री किसके पास है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन क्या है कि वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी में, जो जल शक्ति मंत्रालय के अंदर वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसके अंदर कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी को भी इंक्लूड कर लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड दिल्ली पुलिस ऑर्गेनाइज विच प्रोग्राम फॉर दिल्ली पर्सनल्स, दिल्ली पुलिस के जवानों के लिए, उनके लिए क्या करा है दिल्ली पुलिस ने और AIIA यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद ने कौन से प्रोग्राम को स्टार्ट किया है, दैट इज़ आयु रक्षा। देखो, आयुर्वेद से आयु, और दिल्ली क्या पुलिस क्या करेगी, रक्षा करेगी, तो आयु रक्षा प्रोग्राम स्टार्ट किया है, ठीक है। उसके बाद है, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड फ्री हेल्थ इंश्योरेंस। देखो, कौन सी ऐसी पहली स्टेट बनी है जिसने फ्री हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया है? तो फ्रेंड्स, फ्री हेल्थ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस दे रही है वो भी हेल्थ के लिए, और वो भी कैसा, फ्री। तो बहुत महान काम किया है, तो महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द फेड कप। देखो, फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए ये नामित हुई थी और इन्होंने जीत भी लिया है। देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना है कि कब नॉमिनेटेड हुई थी, कौन नॉमिनेटेड हुई थी, इंडिया की तरफ से सानिया मिर्जा हुई थी। और आपको बताऊँ कि पहली बार किसी इंडियन पर्सन ने फेड कप अवार्ड को जीता है, और वो कौन बनी है, राज सानिया मिर्जा बनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हु हैज़ रिसेंटली टेकन ओवर एज अ सेक्रेटरी ऑफ द MSME, मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज की सेक्रेटरी किसे बनाया गया है, अरविंद कुमार सिंह को बनाया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज लॉन्च द ई बुक प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड। तो कौन, किसने लॉन्च करी है ई बुक, कौन सी, प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड। देखो, जब इंडिया डिस्कवर करेगा, फिर से खोजेगा, रीडिस्कवर करेगा, तो उसका कल्चर कैसा होगा, कल्चर बढ़िया बनेगा, कल्चर और इम्प्रूव होएगा। और कल्चर मिनिस्टर कौन है हमारे, प्रहलाद सिंह पटेल। तो किसने लॉन्च करी ये वाली बुक, प्रहलाद सिंह पटेल ने, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च किसान सभा ऐप। देखो, किसान से आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि एग्रीकल्चर ने, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने ये ऐप विकसित की होगी, लेकिन ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये जो किसान सभा ऐप है, किसने करी है, CSIR, ध्यान रखना, ठीक है, CSIR ने किसान सभा ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड ट्यूना डे, टू ना, तो ये कब मनाई जाती है, 2nd of May को ये मनाई जाती है, टूना डे। और अगर आपको पता है, क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है कि ये जो टूना डे है किससे रिलेटेड है, तो ये फिश की कैटेगरी से रिलेटेड है टूना डे, और कब मनाया जाता है, 2 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, विच कंट्री हैज सपोर्टेड ऑस्ट्रेलियाज डिमांड फॉर एन इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन इनटू द ओरिजिन ऑफ कोरोना आउटब्रेक।
देखो कोरोना कहाँ से आया है इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, पूरा इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑस्ट्रेलिया का कौन सी कंट्री ने सपोर्ट कराया, तो किसने कराया? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्यों भाई? आपको पता है अमेरिका में कितना बुरा हाल है ना, कितना बुरा हाल है। लगभग 13 लाख से लोग, जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ उस टाइम पे 13 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना से ग्रस्त हो चुके हैं आपके अमेरिका में, और लगभग 85,000 डेथ हैं। तो सोच लो कितना बुरा इफेक्ट है। तो यूएसए तो कहेगा ही ना भाई, पता लगाओ, है ना। चलो, द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD हैज़ रिलीज अ न्यू लिस्ट विद द नेम्स ऑफ डैश ट्रॉपिकल साइक्लोन्स दैट आर लाइकली टू इमर्ज ओवर द नॉर्थ इंडिया ओशन। यानी कि जो हमारा मौसम विभाग है, इंडिया का, भारत का जो मौसम विभाग है, उसने उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो उत्तर हिंद महासागर में उभरने की संभावना है, कितने के नाम से एक साथ नई सूची जारी की है। तो कितनी करी है? 169। याद रखना 169 किसका स्क्वायर होता है? 13 का, है ना, स्क्वायर होता है। तो एक यूनिक नंबर है, देखो कोई भी स्क्वायर नहीं है, लेकिन 169 क्या है? स्क्वायर है किसका? 13 का। तो एक यूनिक नंबर है, तो याद रखना, ठीक है। चलो, शिपिंग मिनिस्ट्री हैज़ डिक्लेयर्ड अ कंपनसेशन ऑफ 50 लाख फॉर पीपल एम्प्लॉयड विद मेजर पोर्ट्स इन द कंट्री। तो आपको पता है कि जो आपकी शिपिंग मिनिस्ट्री है, उसने क्या करा है, हमारे जितने भी मेजर पोर्ट्स हैं कंट्री के अंदर, उसमें 50 लाख रुपए का क्या दिया है? इंश्योरेंस दिया है, कंपनसेशन दिया है। क्यों? क्योंकि हमारी समुद्र सेतु और बहुत सारी स्कीम चल रही है जिसकी वजह से वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कोरोना ग्रस्त हो सकते हैं, तो उनको 50 लाख का इंश्योरेंस दिया है। और कितने पोर्ट्स हैं हमारे इंडिया में? तो मेजरली हमारे 12 पोर्ट्स हैं, 12 पोर्ट्स हैं हमारे इंडिया के जो मेजर पोर्ट्स हैं, ठीक है, यानी कि बंदरगाह, है ना। चलो, 11th सेशन ऑफ पेटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग हैज़ वाज होस्टेड बाय विच कंट्री। तो पेटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग किसके द्वारा होस्ट किया गया था? देखो, पीटर्सबर्ग, बर्ज, जर से स्टार्ट होगा, जर्मनी, है ना, जर्मनी। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन ही तो बढ़ते हैं, इंटरनेशनल जैज डे। देखो, अगर आपको अप्रैल की करंट अफेयर याद है, और नहीं है ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर नहीं है, थोड़ा सा भूल गए हो, तो एक घंटा निकाल के, 1 से 2 घंटे निकाल के आपकी रिवीजन क्लास पड़ी हुई है अप्रैल की, है ना, हमारे चैनल पे आपको अप्रैल के रिवीजन के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और वहाँ पर आपकी सारी रिवीजन क्लास पड़ी हुई है। तो फ्रेंड्स, उस अप्रैल रिवीजन को 1 से 2 घंटे निकाल के एक बार सारा देख लेना, दोबारा से रिवाइज हो जाएगा। तभी तो डालिए रिवीजन क्लास, ताकि पूरे मंथ को एक साथ आप जल्दी से रिवाइज करते चले जाओ। तो वहाँ पे आपको पढ़ाया था इंटरनेशनल डांस डे। तो डांस, डांस, डांस कब बताया था? नाच, नाच से नाच। तो नाच कब बताया था? 29 अप्रैल को, है ना, ना से नाच, नाच 29 अप्रैल को बताया था। तो 29 अप्रैल से अगला दिन जो होगा 30 अप्रैल, क्योंकि जैज भी जो है एक डांस की ही कैटेगरी है, तो नाचना तो 29 को है। अब उसकी कैटेगरी के बारे में अगले दिन बताएंगे, यानी कि 30 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाएगा इंटरनेशनल जैज डे। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंटरिम मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ द PNB हाउसिंग फाइनेंस। तो PNB हाउसिंग फाइनेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ किसको बनाया गया है? इंटरिम, है ना, अंतिम प्रबंधक निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखो, हाउस की जब बात करोगे, घर की जब बात करोगे, तो उसका व्यास नापोगे ना, है ना, मापने का काम करोगे, और मापने से रिलेटेड कौन है? व्यास। तो यानी कि नीरज व्यास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द मैंस ODI प्लेयर ऑफ द ईयर एट द एनुअल न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड। जो हमारे न्यूजीलैंड के क्रिकेट अवार्ड्स हैं, उसमें मैंस ODI प्लेयर ऑफ द ईयर किसे बताया? केन विलियमसन, है ना, विलियमसन अच्छा खेलता है ना। चलो, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, लॉकडाउन इन इंडिया हैज़ रिड्यूस एनर्जी डिमांड बाय ऑलमोस्ट हाउ मच परसेंट। मतलब कितने परसेंट से जो हमारी एनर्जी डिमांड कम हो गई है? तो 30%, क्योंकि आपको पता है कि क्या हो रहा है, हमारा लॉकडाउन है हर जगह पर, है ना, सारे ऑफिसेज और सब कुछ बंद है, तो 30% एनर्जी कंजप्शन रिड्यूस हो गई है। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे हैज़ डेवलप्ड अ माइक्रोवेव सर्ट स्टर्टिलाइजर दैट कैन डिसइंटीग्रेट COVID-19 वायरस विद इन 30 सेकेंड्स। वट इज़ द नेम ऑफ दिस स्टरलाइजर? तो क्या नाम रखा है? अतुल्य। क्यों? क्योंकि यह हमारे लिए बहुत अतुल्य है, इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, अतुल्य है, क्योंकि 30 सेकेंड में क्या कर रहा है? कोरोना वायरस को डिसइंटीग्रेट कर रहा है, नष्ट कर रहा है ना। देंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व, देखो स्टैटिक क्वेश्चन है कि ये कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है। तो देंग पटकाई, आपको याद कराया था पटके, पटकाना, पटकाना, और पटकानते हैं क्या है? पटाखे। तो जब पटाखे पटकाते हैं तो वो कहाँ जाते हैं? आसमान में जाते हैं, तो आसाम इसका आंसर हो गया था। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंडियन ओरिजिन गर्ल हु गॉट द ऑनर ऑफ नेमिंग नासाज फर्स्ट मार्स हेलीकॉप्टर। देखो, ऐसी हमें क्या बतानी है? इंडियन ओरिजिन की गर्ल का नाम बताना है, हु गॉट द आवर ऑफ नेमिंग नासाज फर्स्ट मार्स हेलीकॉप्टर। यानी कि भारतीय मूल की लड़की का नाम बताइए जिसे नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नामकरण करने में सम्मान मिला है। तो किसे मिला है?
वनिजा रूपाणी, और इन्हें क्यों मिला है, वनिजा रूपाणी को ही क्यों मिला है, क्योंकि देखो एक तो इंडिया का नाम भी होना चाहिए और कहाँ नासा यानी कि यूएस यानी कि फॉरेन का नाम भी होना चाहिए। तो वनिजा तो देखो जो फॉरेन जैसी लग रही है, और रूपाणी क्या विजय रूपाणी जैसे है ना, हमारे इंडियन जैसे हो गए, तो वनिजा रूपाणी। जबकि बाकी देखो तान्या तो हिंदी का हमारा है, मुक्ता नेहा ये सब क्या इंडियन नेम है, लेकिन वनिजा रूपाणी तो वनिजा क्या है बाहर का लग रहा है, रूपाणी इंडिया का लग रहा है। चलो, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। तो शिवाजी इन साउथ ब्लॉक किसने हमारे ऑथर कौन है, तो शिवाजी भगवान है, तो भगवान ही तो इनके ऑथर होंगे, तो गिरीश कुबेर, बताया ना कुबेर भगवान है ना। चलो, विच स्टेट हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ एग्रो बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप फैसिलिएशन डेस्क टू बूस्ट द इकोनॉमी। अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए कौन से स्टेट ने एक लॉन्च करी है एग्रो बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप फैसिलिटेशन डेस्क। तो डेस्क मतलब तेरी डेस्क, ऐसे याद रखना कि तेरे डेस्क पे फैसिलिटी है मेरे डेस्क पे नहीं है। ऐसे होता है ना, दूसरों की चीज़ बढ़िया लगती है अपनी चीज़ बेकार लगती है, तो तेरी डेस्क पे फैसिलिटी है मेरे डेस्क पे नहीं है, तो तेरी से आएगा त्रिपुरा। चलो, इंडियन रेलवे हैज़ अनाउंस टू रन विच ट्रेन टू मूव माइग्रेंट वर्कर्स पिलग्रिम्स टूरिस्ट स्टूडेंट्स स्टैंडेड एट डिफरेंट प्लेसेज ड्यू टू लॉकडाउन। इंडियन रेलवे ने कौन सी ट्रेन चलाई हैं सब लोगों को लाने के लिए, और बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में भी है श्रमिक स्पेशल, सारे मजदूर और जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं टूरिस्ट हैं वर्कर्स हैं उनको माइग्रेंट्स वर्कर्स जो हैं उनको अपने स्टेट में लाने के लिए अपने घरों के लाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई हैं, है ना। फ्रेंड, सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दो, है ना, कमेंट करके ज़रूर बता दो। जानती हूँ अभी वीडियो चल रही है तो शेयर तो नहीं करोगे, लेकिन लाइक और कमेंट ज़रूर कर दो। एक मिनट पहले लाइक और शेयर कर दो। फ्रेंड्स, इस लाइक और शेयर करने का और कमेंट करने का कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया जाता है, लेकिन क्या मिलता है, हमें मोटिवेशन मिल जाता है। तो आप इतना तो कर ही सकते हो हमारे लिए, कम से कम एक मोटिवेशन तो दे सकते हो, हैं कुछ भी नहीं कर सकते, तो आप मोटिवेशन दो। और आप अपने आप से ये डिसाइड कर लो कि 5 लोगों को मैं ये वीडियो ज़रूर शेयर करूँगा, तो प्लीज़ इतने से हेल्प कर दो, है ना। चलो, बढ़ते हैं आगे। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बैन द परचेज ऑफ गवर्नमेंट व्हीकल्स लाइक कार्स एंड जीप्स फॉर अ ईयर। देखो, कौन से स्टेट गवर्नमेंट है जिसने एक साल के लिए गवर्नमेंट व्हीकल्स कार और जीप को परचेज करने पे बैन लगा दिया, तो किसने, हरियाणा, क्योंकि ऐसे समझ लो कि हरियाणा में क्या होता है सस्ती जीप और कार मिलते हैं, तो उसने इसलिए बैन लगा दिया, है ना। चलो, इकोनॉमी ऑलरेडी डाउन चल रही है ना। विच स्टेट सैफ्रॉन हैज रिसेंटली बीन गिवन जीआई टैग दिया है राज्य की केसर को। तो केसर सबसे ऊंचाई पर उगने वाला जो केसर है वो कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर के केसर के को जीआई टैग हाल ही में प्रदान किया गया है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑपरेशन ऑफ एनटीपीसी। तो एनटीपीसी है ना, एनटीपीसी, अब आपको आपका सबका सपना होगा कुछ का कि हमें आरआरबी एनटीपीसी क्लियर करना है, तो ये तो तुम्हें पता ही होना चाहिए कि उसके डायरेक्टर ऑपरेशन किसे बनाए गए। तो किसे बनाए गए हैं, देखो किसे बनाए गए, मैं सच बताऊँ ना कैसे याद करो, एनटीपीसी, बेटा तुम्हें एनटीपीसी क्लियर करना है ना, तो बाबू तुम्हें एनटीपीसी क्लियर करना है ना, मेहनत करो, तो रमेश बाबू इसका आंसर हो गया, क्योंकि बाबू आपको एनटीपीसी क्लियर करना है तो पढ़ लो, है ना। चलो, थोड़ा सा मजाक है फ्रेंड्स, ठीक है, और ऐसे मजाक से ही आपको ट्रिक्स याद रहने वाली हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन इज़ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है, तो 3 मई को, फ्री 3 मई को क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं ना 3 तारीख को, ऐसा होता है ना, देखो 1 2 3 3 3 पर आप फ्री, फिर कुछ भी काम करो, तो फ्री फ्रीडम डे कब मनाया जाता है, 3 को मनाया जाता है, फ्री हो जाते हैं उस दिन, ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ द इंडिया टू ब्राज़ील। तो अगर मैं कतर के पूछूँ, तो कतर के किसे मनाया गया था, दीपक मित्तल, कतर से कटर और कटर से मेटल, मेटल से दीपक मित्तल। लेकिन ब्राज़ील के पूछूँ तो किसे मनाया गया, सुरेश की रेड्डी, क्यों, क्योंकि ब्राज़ील जाने के लिए क्या है, रेडी है, है ना, ये ब्राज़ील जाने के लिए रेडी है, तो इसलिए ब्राज़ील के किसे मनाया, सुरेश के रेड्डी को। हाउ मेनी मंडीज वर एडेड टू द ई नाम प्लेटफॉर्म फॉर फ्रॉम 7 स्टेट्स रिसेंटली। देखो, ई नाम आपको पता है ना, ये क्या एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जो आपके किसान लोग हैं वो अपना सामान वगैरह सेल कर सकते हैं, मंडीज की तरह काम करती हैं। तो 7 स्टेट्स में कितनी मंडीज को अभी ऐड किया गया है, तो 200 नई मंडीज को ऐड करा गया है ई नाम प्लेटफॉर्म पर, इलेक्ट्रॉनिक नाम, है ना। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू प्रोवाइड मिड डे मील। देखो, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर, मिड डे मील कब दिया जाता है, मध्य में तो दिया जाता है, दिन के मध्य में, तो मध्य प्रदेश का इसका आंसर हो जाएगा। अब आप कहोगे मिड डे मील तो बहुत सारे स्टेट्स में चल रहा था। हाँ बच्चा, चल रहा था मिड डे मील बहुत सारे स्टेट में, लेकिन जब से स्कूल्स कॉलेजेस बंद हैं, तो स्कूल्स बंद हैं तो घर पे तो कोई देने नहीं जा रहा, तो मध्य प्रदेश एक पहली स्टेट बनी है जो आपका मिड डे मील का खाना है वो घर पर बच्चों को पहुँचा रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू लॉन्च द मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। देखो, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना में
किसने लॉन्च करी थी, तो मुख्यमंत्री वो भी क्या देगा, शहरी रोजगार देगा। तो शहरी रोजगार देगा कौन देगा, शहरी में रोजगार, जाओ गांव में रह रहे हैं, है ना। तो हिमाचल प्रदेश में कैसे है, लोग हिमालय पर रह रहे हैं, गांव में रहते हैं, हिमालय पर रहते हैं, बहुत ऊंचाई पर रहते हैं, तो उन्हें शहरी रोजगार देना जरूरी है। चलो, विच बैंक हैज रिलीज द कोलेबरेटिव सॉन्ग टाइटल हम हार नहीं मानेंगी। तो अभी आपने पढ़ा था वी लव, है ना, वी विल विन। अभी आपने पढ़ा था वी विल, क्या पढ़ा था, वी विल विन। किसने करा था, फीफो, है ना, फीफो, हम जीतेंगे, फुटबॉल खेलेंगे और जीतेंगे, ऐसे याद करा था। अब एक है हम हार नहीं मानेंगे, हम हार नहीं मानेंगे, तो एच से कौन सा है, HDFC, याद रखना ऐसे ही। चलो, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे आपने पढ़ा 3 मई को मनाया जाता है, है ना, 3 मई को मनाया जाता है। उसका आपका थीम क्या है, जर्नलिज्म करो विदाउट फियर, ना ही तो किसी से डरो, ना ही किसी का फेवर करो, और पत्रकारिता करो। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे, एस्ट्रोनॉमी डे में कब मनाया जाता है, देखो एस्ट्रोनॉमी मतलब आपका खगोल, अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान, देखो एस्ट्रोनॉमी है, जब आप जो भी एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जो भी आपके विदेश में जाते हैं, विमान में जाते हैं, तो कैसे आते हैं, अकेला थोड़ी जाएगा, एक के साथ एक और चाहिए, है ना, एक पर्सन के साथ एक पर्सन और चाहिए, तो कम से कम दो तो चाहिए ना। तो 2 मई को एस्ट्रोनॉमी डे मनाया जाएगा, इसी तरह से आपको ट्रिक में पढ़ाया गया था। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ट्रिक्स वाली वीडियो को ज़रूर देख लो, और यहाँ से रिविज़न वाली देख लो, आपके करंट अफेयर को सही होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो स्कोर करना सीख लो बच्चे, अब आप बड़े हो गए हो, माँ बाप कहने से कुछ फ़ायदा नहीं है, आपकी मर्जी है, आप देखेंगे तो ही देखेंगे, है ना, मेरे कहने से थोड़ी देख रहे हो। तो प्लीज़ एक बार देखो, नहीं अच्छा लगता तो आप एडवाइस कर दो ना, किसने मना किया है, हम ये थोड़ी कहा है कि आप एडवाइस मत करो, कमेंट मत करो, कमेंट करो और करके बताओ कि क्या कमी है, है ना। चलो, हु हैज़ लॉन्च द नेशनल ई कॉमर्स मार्केट भारत मार्केट। तो भारत मार्केट किसने लॉन्च करी, तो भारत मार्केट, देखो भारत मार्केट वो भी कैसी, कॉमर्स की, यानी कि व्यापार की। तो व्यापार के लिए कौन है, व्यापारी, ट्रेडर्स, तो जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। कैट ने इसको लॉन्च किया है, क्या है, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हु हैज स्टार्टेड अ मत कर फॉरवर्ड कंपेन। मत कर फॉरवर्ड कंपेन किसने, देखो अगर आप थोड़ा बहुत टीवी वगैरह भी देखते हो ना, उसमें भी ऐड आता है मत कर फॉरवर्ड, और जो आपके अनुष्का है, विराट कोहली वगैरह हैं, ये सब क्या करते हैं, आपका ऐड करते हैं। तो ये किसने लॉन्च करा है, टिकटॉक। क्यों, क्योंकि आपको पता है टिकटॉक सबसे बकवास ऐप है। क्यों बकवास ऐप है, मतलब देखो बकवास इन द सेंस कि उनके लिए तो बढ़िया पैसे कमा के दे रहा हूँ, बट आपके लिए तो बेकार है ना, आपको तो टाइम वेस्ट करा बच्चे, समझो इस बात को। अब आप छोटे नहीं रहेंगे कि आपको कोई समझाएगा कि टाइम वेस्ट हो रहा तेरा, है ना। तो आपको तो टाइम वेस्ट कर दिया ये टिकटॉक, तो टिकटॉक पे ही सबसे ज़्यादा क्या होती है, हर चीज़ें फॉरवर्ड कर देते हो आप। तो मत कर फॉरवर्ड भी कौन चला रहा है, टिकटॉक चला रहा है। क्यों, क्या आपकी जो भी झूठी अफवाहें हैं उनको मत आगे फॉरवर्ड करो, है ना। चलिए, विच कंट्री है सेलिब्रेटेड नेशनल बर्थडे। देखो नेशनल बर्थडे कब मनाया जाता है, 4 मई, कैसे याद रखोगे, BIRDAY, कितने हैं, 4, तो 4 मई को मनाया जाता है। अच्छा, किस कंट्री के द्वारा मनाया जाता है, तो दैट इज़ अमेरिका, है ना। चलिए, वेन इज इंटरनेशनल फायर डे, फायर डे भी कब मनाया जाता है, 4 मई, FIRE, फायर, है ना, फायर डे भी 4 मई को मनाया जाता है। चलो, वेयर वॉज द फर्स्ट COVID-19 टेस्टिंग बस लॉन्च, टेस्टिंग बस COVID-19 के लिए कहाँ पर पहली लॉन्च हुई है, मतलब बस के अंदर टेस्टिंग करी जाएगी कोविड टेस्टिंग, तो कहाँ हुई है, मुंबई में। क्यों हुई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा केसेस कहाँ पर है, मुंबई में है, मतलब महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र में भी मुंबई में है, तो वहाँ पर टेस्टिंग बस ही लॉन्च कर दी भैया, बस में भर भर के टेस्ट करेंगे, है ना। नेम द न्यूली अपॉइंटेड चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ यस बैंक। तो यस बैंक पे बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, हालांकि रिस्क ऑफिसर पूछा नहीं जाता है, बट यस बैंक के आपको पता है पुनर्निर्माण ही हुआ है इसका एक तरीके से, तो इसके पहले भी आया था क्वेश्चन, इसके जो डायरेक्टर बनाए गए थे, कुछ बनाया गया था एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रशांत कुमार को, है ना। अब आपके चीफ रिस्क ऑफिसर, तो रिस्क ऑफिसर नहीं बनाए गए हैं, तो रिस्क लोगे तो भैया पिटोगे, है ना। रिस्क आपकी बार किसी को नहीं लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डूब चुका है यस बैंक, और वापस से इसमें SBI ने बहुत ज़्यादा शेयर्स अपना लगाया, जिसकी वजह से यस बैंक अभी उभरा है। तो नीरज धवन इसके चीफ रिस्क, क्यों, धवन से क्या है, मतलब धाके इनकी, है ना, धाके इनसे, इनसे लोग डरते हैं, तो इसलिए कोई भी रिस्क नहीं लेगा अब यस बैंक से पैसा चुराने का। चलो, When was World Laughter Day 2020 observed? तो World Laughter Day, हंसते कब है हम, तो ऐसे करते हैं 1, 2, 3 और ही, है ना, 1, 2, 3 ही, तो कब हंसते हो, 3 के बाद हंसते हो, तो 3 मई इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर बढ़ते हैं, देखो अब बैटरी भी फ़ोन की डाउन हो गई है, लेकिन बस आपके लिए वीडियो बना रहे हो ना, आप सपोर्ट नहीं कर रहे, तो प्लीज़ फ्रेंड्स, प्लीज़ शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, बिना आपके सपोर्ट के हम आगे काम नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ फ्रेंड्स सपोर्ट करो, है ना। चलो, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म होस्ट 13th वेबिनार टाइटल डेस्टिनेशन सरीक्षा टाइगर रिजर्व ऑफ देखो अपना देश सीरीज। देखो अपना देश सीरीज चलाई गई थी, इसमें अगर पहली
स्टेट की बात करूँ तो किसके बारे में दिखाया गया था, दिल्ली के बारे में, है ना। अप्रैल में ये क्वेश्चन कराया था। अब क्वेश्चन क्या बनाया है कि आपके टाइगर रिजर्व को दर्शाया गया है 13वें नंबर पे, किसे, डेस्टिनेशन सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, स्टैटिक क्वेश्चन है। तो सर इसका, देखो सर, सर और इसका, तो सर आ रहा है ना, सर किसे बोलोगे, जिसका थोड़ा सा लार्ज होगा, जिसका थोड़ा सा मतलब अच्छा खासा उसका व्यक्तित्व होगा उसका, तो राजस्थान इसका आंसर हो जाएगा। वेन इज़ वर्ल्ड हैंड क्लीनलीनेस डे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है और हाथ को हमें साफ रखना है, तो कब मनाया जाता है, 5 मई। कैसे याद करोगे, हाथ में 5 फिंगर्स और 5 मई को मना देंगे, है ना। चलो इससे अच्छी ट्रिक्स फ्रेंड्स शर्त के साथ मैं बोल सकती हूँ, किससे अच्छी ट्रिक्स आपको किसी चैनल पर नहीं मिलेंगी, है ना। यहाँ पर क्या है कि जितने भी आपके चैनल्स होंगे ना, हर चैनल्स से कि मतलब जितने भी क्वेश्चन सारे चैनलों पे कर जा रहे हैं, उसके सारे क्वेश्चन हमें यहाँ पे करा रहे हैं। और खास बात ये है कि हम ट्रिक्स पढ़ा रहे हैं, कोई नहीं पढ़ा रहा आपको, सब रटा रहे हैं, है ना, सब रटा रहे हैं 1978 1935, लेकिन हम क्या बता रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स जरूर देखो और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, हेल्प करना ज़रूरी होता है, थोड़ा बहुत हेल्प कर दो यार, क्या पता हेल्प करने से ही आपको सलेक्शन हो जाए। चलो क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च COVID-19 कथा मल्टीमीडिया गाइड। देखो COVID-19 पे कथा मल्टीमीडिया गाइड, और मल्टीमीडिया गाइड का क्या मतलब है, उसमें आपकी ऑडियो वीडियो सब रहेंगी, है ना। तो कथा किसने करी है, COVID-19 में या बीमारी है तो मिनिस्ट्री कौन सी करेगी, आपकी हेल्थ मिनिस्ट्री। तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने इसको लॉन्च करा है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ मेड द आरोग्य सेतु ऐप मैंडेटरी, कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने आरोग्य सेतु ऐप मैंडेटरी करा है, तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हो गया है कि अगर आपके आरोग्य सेतु ऐप का होना ज़रूरी है, उन्होंने पूरा इंस्ट्रक्शन दिया है कि जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं और जो भी हैं आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, कि आपको आरोग्य सेतु ऐप रखवाना है ना। आई फोर इंडिया कॉन्सेप्ट किसने स्टार्ट करा, तो देखो आई फोर इंडिया, तो आई से तो क्या बन गया, इंडिया बन गया, लेकिन एफ से फेसबुक, तो किसने लॉन्च करा है, फेसबुक। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंटरनेशनल ऑनरी मेंबर ऑफ द अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। देखो आर्ट्स एंड साइंस के इंटरनेशनल ऑनरी मेंबर ऑफ द अमेरिकन एकेडमी बनाया, वो भी किसके, आर्ट एंड साइंस के। तो आर्ट एंड साइंस क्या है, आपकी शोभा बढ़ाती है, तो शोभा नरसिम्हा को यहाँ का मेंबर बना दिया है। विच प्लेस हैज़ इंडिया रैंक द टर्म ऑफ साइंटिफिक पब्लिकेशन, तो साइंटिफिक पब्लिकेशन के नंबर पे 3rd rank इंडिया ने रिसीव करा है, रैंक मिला है, ठीक है, किसमें, साइंटिफिक पब्लिकेशन में। वेज हेडक्वार्टर ऑफ फीना, फीना का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल डे नेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ। तो तैराकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ है, तैर के कहाँ जाओगे, स्विम करके, यानी कि तैर के, स्वयं करके, स्विम करके कहाँ जाओगे, लैंड पर, जमीन पर पहुँच जाओगे, तो स्विट्जरलैंड इसका आंसर हो जाएगा। नॉन अलाइन मूवमेंट, यानी कि नाम, नॉन अलाइन मूवमेंट, विच कंट्री इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ नाम, नाम का करंट चेयरपर्सन कौन है, तो अज़रबैजान। आपको ये ट्रिक भी बताई थी कि वैसे तो ये नाम के क्या है, चेयरपर्सन है, लेकिन बेजान, इनके नाम में कोई जान नहीं है, तो कंट्रोवर्सी है यहाँ पे, इस तरह से आपको याद रखना है। चलिए, विच कंट्री हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ इट्स फर्स्ट सेटेलाइट फॉर आर्कटिक क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। तो देखो हुआ क्या है, हुआ ये है कि कौन सी कंट्री है जिसे लॉन्च करी है पहली सैटेलाइट फॉर आर्कटिक क्लाइमेट एनवायरनमेंट को मॉनिटर करेगी, यानी कि पहली उपग्रह लॉन्च करी है जो कि आर्कटिक की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए बनाई है। किस देश ने बनाई है, रशिया ने बनाई है आर्कटिक के लिए, आर्कटिक, है ना। विच स्टेट पुलिस हैज रिसेंटली लॉन्च संकल्प स्कीम, संकल्प स्कीम जो है किसने लॉन्च करी है, कौन सी स्टेट पुलिस ने लॉन्च करा है, तो किसने करा है, एल्डर लोगों के लिए संकल्प लिया है, किसने लिया है, मध्य प्रदेश, क्योंकि हम क्या करेंगे, मध्य से संकल्प लेना स्टार्ट करेंगे, बीच से संकल्प लेना स्टार्ट करेंगे पूरे मैप के, ताकि सब लोगों को, जितने भी एल्डर्स हैं, सबको क्या कर सके, प्रोटेक्शन दे सके, तो मध्य प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। हु इज अपॉइंटेड एज अ CFO ऑफ फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट के CFO के रूप में किसे नियुक्त करा गया, तो श्रीराम वेंकटरमन। तो देखो फ्लिपकार्ट के वैसे तो वो कौन है, चेयरपर्सन जो है वो कौन है, आपके मार्क जकरबर्ग है ना, बट उन्होंने CFO के लिए किसे नियुक्त करा है, श्रीराम वेंकटरमन, क्योंकि उन्हें भी डर है कि अब उनकी जो इकोनॉमी है, मतलब उनकी जो कंपनी है, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए उन्होंने राम जी को बुला लिया वहाँ पर, है ना, रामायण इसलिए तो फेमस हुई थी। देखो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ निगाह प्रोग्राम, आपको ट्रिक बताई थी कि आप क्या करोगे, हिमाचल, यानी कि हिमालय पर चढ़ोगे और सब पे क्या रखोगे, हिमालय इतना ऊँचा है, वहाँ जाके क्या रखोगे, सब पे निगाह रखोगे, तो हिमाचल प्रदेश ने निगाह प्रोग्राम चलाया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 क्वेश्चन नंबर, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च बिरसा हरित ग्राम योजना। तो बिरसा हरित, तो देखो आपको पता है झारखंड, झारखंड इसका आंसर है। कैसे याद करोगे? झारखंड, झारखंड आपको हमेशा झाड़ झक्कड़ है ना, जंगल से रिलेट करा है, झाड़ झक्कड़ से रिलेट करा है, तो अब उसे क्या करना है, हरा बनाना है, हरा भरा बनाना है। तो बिरसा हरित ग्राम योजना चलाई गई है। हु हैज स्टार्टेड ऑपरेशन समुद्र सेतु। समुद्र सेतु किसने चलाया? समुद्र में कौन है? इंडियन नेवी है मेरे पास, तो इंडियन नेवी में समुद्र सेतु चलाया गया। अच्छा कन्फ्यूज मत होना कि इंडियन गवर्नमेंट ने चलाया, इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं चलाया, इंडियन की नेवी में ने चलाया समुद्र सेतु। और अगर क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा करके पूछ ले कि समुद्र सेतु क्यों चलाया है, तो क्यों चलाया है, जो आपकी मेडिसिन हैं, पीपीई किट्स हैं, जो भी आपके कोरोना वायरस के लिए रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स हैं या मेडिसिन हैं, उनको पहचाने के लिए। और कौन सी कंट्री को पहचा रहे हैं? मालदीव्स या जो भी हमारी नियर बाय कंट्रीज हैं, जहाँ पर हम जहाज के थ्रू यानी कि वाटरवेज के थ्रू पहुँच सकते हैं। चलो, हु हैज़ रिसेंटली बीन अवार्डेड विद द वर्ल्ड वार टू मेडल। तो वर्ल्ड वार टू मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो द्वितीय विश्व युद्ध के पदक से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखो, साउथ अमेरिका के कौन है? मून जे इन इनको सम्मानित किया और दिया किसने था? पुतिन ने दिया था, रशिया ने दिया था, और किसे दिया था? मून जे इन को दिया था। और ये अभी नई अपॉइंटमेंट हुई थी प्रेसिडेंट की, तो इसे याद रखना है ना। और किंग जोन यून, सॉरी साउथ अमेरिका नहीं, साउथ कोरिया है ना, एक थोड़ा सा छोटा सा करेक्शन है, साउथ कोरिया, मून जे इन साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट बनाए गए थे। और ये किंग जोन यून कहाँ का है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। किंग जोंग इन बहुत ज़्यादा नाम है इनका। और व्लादिमीर पुतिन ये कहाँ के हैं? रशिया के हैं, और इन्होंने ही आपका ये मेडल प्रोवाइड किया। और किए किसको है? साउथ कोरिया को, यानी कि मून जे इन को। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च आयुष कवच कोविड-19 ऐप। तो आयुष कवच कोविड-19 ऐप किसने स्टार्ट किया है, किसने लॉन्च करा ये प्रोग्राम? उत्तर प्रदेश ने, है ना, उत्तर देंगे ये उत्तर प्रदेश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच स्टेट या यूटी हैज लॉन्च द CHD कोविड ऐप। तो देखो नाम से पता है CHD मतलब चंडीगढ़ है ना, चंडीगढ़ कोविड ऐप किसने लॉन्च करा? चंडीगढ़ ही करेगी, कौन करेगा, क्यों करेगा कोई? हु हैज़ डेवलप द अल्ट्रा वायलेट डिसइन्फेक्शन टावर। तो अल्ट्रा वायलेट यानी कि UV डिसइन्फेक्शन टावर किसने लॉन्च करा है, किसने डेवलप करा है? DRDO आजकल सारी सूट्स किट्स बहुत ज़्यादा डेवलप कर रही है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। हु हैज़ बीन नेम्ड विनर ऑफ द 2020 UNESCO गुलिर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज। तो किसे दिया गया है? ये आपका दिया गया है जीनेथ बेडोया लिमा को, क्या दिया है? गुलिर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड अस्थमा डे। तो वर्ल्ड अस्थमा डे की थीम क्या थी? क्या थी? आप स्टॉप नहीं करेंगे बल्कि क्या करेंगे? एनफ अस्थमा डेथ। अस्थमा से बहुत ज़्यादा डेथ हो चुकी है, अब ये इनफ है, अब हमें और डेथ नहीं करनी है अस्थमा से। तो ये हमारी थीम थी वर्ल्ड अस्थमा डे की। इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स कब मनाया जाता है? तो वाइफ्स है ना, वाइफ्स में कितने 5 लेटर्स हैं, तो 5 मई को ये मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंडियन जर्नलिस्ट हु हैज बीन ऑनर्ड विद द 2020 पुलित्ज़र प्राइज इन द फील्ड ऑफ फीचर। यानी कि उस भारतीय पत्रकार का नाम बताइए जिसने फीचर के क्षेत्र में 2020 के पुलित्ज़र पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो पुलित्ज़र पुरस्कार आपके बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था, न्यूज़ में भी अगर आपने थोड़ा सा भी देखा होगा तो ज़रूर आपको इसकी हाइलाइट्स मिली होंगी। तो किसे किसे दिया गया था? 3 लोगों को, 3 पर्सन को दिया गया था, यानी कि ऑल ऑफ द अब आपको दिया गया था, दार यासिन, चन्नी आनंद और मुख्तार खान। और फ्रेंड्स पता नहीं देखो कैसे कैसे काम कर रहे हैं, भले ही इन्हें पुलित्ज़र प्राइज मिला है फीचर्स में, क्योंकि इन्होंने क्या करी थी, जम्मू कश्मीर में जब हमारी 370 हटी थी और थोड़ा सा जो CAA के खिलाफ प्रदर्शन लोग कर रहे थे उसे लेकर कुछ पिक्स को शेयर किया है फीचर्स के नाम पर, इसलिए इन्होंने अवार्ड किया किसको? दार यासिन, चन्नी और आनंद। बहुत ही बेकार काम इनको किया है अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें। चलिए अगला क्वेश्चन है, रिबेट ऑफ स्टेट लेविस। लेविस यानी कि RO SL स्कीम किस इंडस्ट्री से रिलेटेड है? तो लेविस के जीन्स पहनते हो, सबने पहने होंगे लेविस के जीन्स, तो किससे रिलेटेड है? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से। जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। चलिए, विच न्यू पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। सिविल एविएशन मतलब विमानन मंत्रालय। तो विमान मंत्रालय ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो विमान में क्या करेंगे? उड़ेंगे, और गरुड़ भी क्या करता है? उड़ता है। तो कौन सा पोर्टल लॉन्च करा है? गरुड़ पोर्टल। तो फ्रेंड्स प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, बार बार शेयर जरूर कर दीजिए फ्रेंड्स को। और आपको पता है देखो सर भी आपके साथ कितनी मेहनत कर रहे हैं डेली बेसिस पर, वो आपको ट्रिक प्रोवाइड कर रहे हैं। और हाँ, आपको पता है इसके साथ साथ उन्होंने ज्योग्राफी की भी बहुत अच्छी सी वीडियोज़ बनाई हैं, जो कि किसके ऊपर है? रिवर्स को लेकर। तो हिमालय का पूरा ड्रेनेज सिस्टम उन्होंने समझाया है। तो हिमालय से निकलने वाली 3 प्रमुख नदियां हैं, कौन कौन सी हैं? सिंधु, गंगा
और ब्रह्मपुत्र है ना, तीन हिमालय से निकलने वाली सहायक नदी है, सॉरी तीन हिमालय से निकलने वाली मुख्य नदी है। तो इन मुख्य नदियों की जो भी हमारी सहायक नदियां हैं ना, जैसे सिंधु की सहायक नदी है, झेलम, चिनाब, ब्यास नदी है ना, ये सब हैं, तो ये सब भी इन्होंने पढ़ाया है। तो बिल्कुल अच्छे से ज्योग्राफी को कंप्लीट कराते हुए चल रहे हैं, तो वो वाला जीके वाला सेशन भी जरूर देखिए। और सर आपके साथ बहुत मेहनत कर रहे हैं, करंट अफेयर की डेली बेसिस पे वीडियो प्रोवाइड करते हैं, तो उनके सेशंस को जरूर देखिए, ठीक है। और भाई बाकी भैया मेरी भी वीडियो देख लो थोड़ा सा, है ना, मतलब देख लो क्या यार, समझ लो, तुम्हारा ही तो फायदा है, मेरा थोड़ी है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा फोकस करो और थोड़ा सा सपोर्ट करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 पर आज हम आ गए हैं। तो देखो 100 कर लेते हैं, है ना, पार्ट वन में। तो पार्ट वन में मतलब पूरे फर्स्ट वीक की क्वेश्चंस इसमें रहने वाले हैं, फर्स्ट वीक के क्वेश्चंस लगभग, तो 100 क्वेश्चन हम आज करेंगे। चलो 90 पर आ गए, जल्दी से 10 क्वेश्चन और बचते हैं, है ना। और देखो मेरे लिए तो भैया 1:17 भी हो गए हैं, तो सोना भी है, जल्दी से थोड़ा सा जल्दी से खत्म करो। श्रीकांत माधव वैद्य हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ विच कंपनी। तो कौन सी कंपनी के श्रीकांत माधव वैद्य को चेयरमैन बनाया गया है? तो वैद्य, वैद्य मतलब वैद्य है ना, जो हमारे आयुर्वेदिक वैद्य होते हैं, वो कहते हैं तेल वेल से नहीं लगाने को देते, ये तेल लगा लो ये ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ऑयल कॉरपोरेशन, और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का चेयरमैन ही किसे बना दिया भैया? वैद्य। ले तू ही बन जा, ले वैद्य तू ही बन जा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का चेयरमैन, और अपने सबको पूरे देश को ठीक कर दो। विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज़ लॉन्च मुख्यमंत्री युवा योग योजना। तो देखो किसने लॉन्च करा, तो मुख्यमंत्री युवा योगा योग, तो योगा योगा योग, तो मेरा पूरा भारत क्या करेगा? योग करेगा। अच्छा जी, तेरा पूरा भारत योग करेगा, तो त्रिपुरा इसका आंसर हो जाएगा, है ना। हम तेरा पूरा को जनरली ऐसे रिलेट करते हैं, त्रिपुरा तेरा पूरा, ऐसे भी फैसिलिटेशन डेस्क मैंने पढ़ाया था, तो तेरी डेस्क है ना, तो हर किसी को दूसरे की डेस्क ही अच्छी लगती है, जो जिस कुर्सी पर बैठ जाए वो उसको पसंद नहीं आती है। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको इंजीनियर की डिग्री, आपको इंजीनियर की डेस्क अच्छी लगेगी, और इंजीनियर है तो आपको आईएएस की डेस्क अच्छी लगेगी, है ना। तो तेरी डेस्क अच्छी लग रही है, तो तेरी डेस्क त्रिपुरा आ गया था। चलिए विच स्टेट विच हु हैज़ लॉन्च सेव दादा दादी नाना नानी कैंपेन। तो सेफ दादा दादी नाना नानी, तो जो हमारे बुजुर्ग होते हैं दादा दादी नाना नानी, इनको ऐसे नहीं कुछ भी खिला दो, इनके लिए थोड़ा सा नीति बनानी पड़ती है, नीति बनानी पड़ी तो इनका ध्यान रखना पड़ता है। तो नीति आयोग ने ये लॉन्च किया है, सेफ दादा दादी नाना नानी लॉन्च किया है, ठीक है। मुस्तफ़ा अलकदीम हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। नई अपॉइंटमेंट है, प्राइम मिनिस्टर कौन सी कंट्री का बनाया गया? मुस्तफ़ा अलकदमी को। तो अलकदमी का से देखो ईरान और इराक में कन्फ्यूज़न होगा, तो का रहा है, कदमी का रहा है, तो इराक वाला का वाला ही आंसर होगा, इराक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ PAC। देखो बहुत ज़्यादा चर्चा की बात है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। आपको पता है पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होती है पार्लियामेंट की, जिसमें पूरे के पूरे सारे अकाउंट का चर्चा होती है, वो जनरली किसके पास होती है? विपक्ष के पास होती है। और विपक्ष में किसकी सरकार है इस टाइम पे? कांग्रेस की सरकार है। विपक्ष मतलब कांग्रेस बैठी है विपक्ष में, सरकार तो आपकी बीजेपी की है ना, तो विपक्ष में कौन बैठी है? कांग्रेस बैठी है। तो कांग्रेस की अधीर रंजन चौधरी है, इनको पब्लिक अकाउंट कमेटी का ही क्या बना दिया, चेयरमैन बना रहे। और ये न्यू अपॉइंटमेंट नहीं है, बल्कि क्या करा, इनका टाइम पीरियड को बढ़ाया गया है ना, 1 साल का और बढ़ा दिया है। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द यूथ करियर अवार्ड इन द नैनो साइंस एंड यूथ टेक्नोलॉजी फॉर द ईयर 2020। तो यूथ करियर अवार्ड मिला है किसमें? नैनो साइंस में और यूथ टेक्नोलॉजी में। तो यूथ मतलब आज का युवा, तो युवा योद्धा है ना, तो सौरभ लोधा यानी कि योद्धा। वर्ल्ड वेन इज़ वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। देखो एथलेटिक्स एथलेटिक्स जो भी रेस वेस होती है, आपकी मैराथन होती है, तो क्या करते हैं सब लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं और भागते हैं, भागना शुरू करते हैं। तो एक साथ खड़े होकर तो भागना शुरू करते हैं, इसी पॉइंट से तो सब भागना शुरू करेंगे, तो एक साथ खड़े होंगे, एक साथ ही तो भागना शुरू करेंगे। तो 7 मई को एथलेटिक्स डे मनाया जाता है। चलो विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च स्पेस रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B। मैं बताऊँ इसका याद करने का तरीका, देखो मैं खुद बताती हूँ मैंने कैसे याद है मुझे ये वाला। देखो लॉन्ग मार्च, हमारे यहाँ पे लॉकडाउन, लॉकडाउन कब से स्टार्ट हुआ है? मार्च से। तो और जब लॉकडाउन है मार्च से, हमारे पास लॉकडाउन है और लंबा लॉकडाउन है, वो किसकी वजह से है? चाइना। चाइना ही तो ऐसा कमीना देश है जिसने कोरोना फैलाया है। तो ये भी सैटेलाइट किसने लॉन्च करा है? ये स्पेस रॉकेट भी चाइना ने ही लॉन्च करा है। चलो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द मैक्सा ब्यूपा हेल्थ इंश्योरेंस। तो मैक्सिमम कौन किसको याद करते हैं लोग? कृष्णा और राम को। तो कृष्णा रामचंद्र को क्या बना दिया? MD और CEO बना दिया किसका? मैक्स ब्यूपा हेल्थ इंश्योरेंस का। यही तो आपके हेल्थ ये का ध्यान रखते हैं कौन? कृष्ण भगवान और राम भगवान, है ना। विच बैंक हैज़ बिकम द है, वैसे है तो एक ही विष्णु के अवतार है दोनों ही, है ना, एक ही भगवान है, बट हम लोग सब अलग अलग मानते हैं, है ना, पर एक ही भगवान है हमारे।
विच बैंक हैज़ बिकम द फर्स्ट बैंक टू एक्सटेंड द मोनेटेरियम टू NBFC's कंपनी। देखो कौन सा ऐसा गैर बैंकिंग वित्त पंक्तियों को अधिक स्थगन देने वाला बैंक पहला बैंक कौन सा बन गया, तो कौन है PNB। याद SBI को मत कर देना, SBI सबसे बड़ा बैंक है, लेकिन इस बार ये नहीं, आपकी NBFC यानी कि जो कि हमारी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है उनको कौन स्थगित करेगा, उनको मोनेटेरियम कौन प्रोवाइड करेगा, PNB देगा, है ना। चलो आज का आखिरी क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन आज का आखिरी क्वेश्चन। इसके बाद की जो सीरीज़ है मैं पार्ट टू में यानी कि सेकंड वीक में कल या परसों में जल्दी जैसे ही आपका मुझे रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट इन द सेंस जैसे ही आपका रिस्पांस मिलेगा उसके बेसिस पे मैं जल्दी से आपको प्रोवाइड कर दूंगी, और डेली बेसिस पर भी आप वीडियो देखते रहिए। तो चलो इस क्वेश्चन को, आखिरी क्वेश्चन है, इसे पढ़ लो जल्दी से। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च द इंडिया SME सर्विस प्लेटफॉर्म। तो SME देखो एक तो होता है MSME, तो MSME से S निकाल दो तो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, इसके लिए इंडिया SME सर्विस प्लेटफॉर्म लॉन्च कराया। किसने कराया? SIDBI ने क्या कराया, 1 करोड़ रुपये का लगभग इनको वो दिया है, है ना, इंश्योरेंस दिया है, जिसमें इंडियन इसमें क्या करा, मतलब एक तरीके से सर्विसेज प्लेटफॉर्म इनके लिए प्रोवाइड किया है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आज का आखिरी क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था। होप्सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करके जाओ और अपना वादा ज़रूर पूरा करो। मैंने अपना वादा पूरा किया, आपको पढ़ाया है रात को 1:30 बजे तक, देखो 1:30 बजे तक मैंने वीडियो बनाई है आपके लिए, है ना, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा, अच्छे से तैयारी करिए फ्रेंड्स, है ना। और कोरोना है COVID-19 है, थोड़ा सा सेफ रहिए, अपने फैमिली के साथ रहिए, फैमिली को सेफ रखिए, और हाँ खासकर अपने जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, है ना, बुजुर्ग हैं जो भी हमारे एल्डर्स पीपल हैं उनको बचा के रखिए, बचा के मतलब उन्हें बाहर मत निकलने दो ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, जो भी 60 ईयर्स अबव हैं 65 ईयर्स अबव हैं उनको बाहर मत निकलने दीजिए, और खुद भी बाहर मत निकलिए जब तक कि कोई ज़रूरी ना हो, और अच्छे से स्टडी करिए, बेस्ट टाइम मिला है आपको स्टडी करने के लिए, और शेयर तो कर ही दो यार, कितनी बार कहूँ, है शेयर कर दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।